Assalamu alaikum. Hello. थैंक यू, हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह. देखें आपकी और मेरे काउच की मैचिंग होगी. देखें जरा कितनी जबरदस्त किस्म की ना. ये तो गलती हो गई मुझसे. हम पिक्चर ले लेते हैं काउच के सामने, है ना. हमारी पिक्चर खींचे भाई. अच्छी सी है, कितनी अच्छी आ रही है ना काउच के सामने मैचिंग वाली. ठीक है, थैंक यू. कैसी है मोमल आप? बिल्कुल ठीक. आप कैसे हैं हसन? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह. सबसे पहले तो 2023 आपको बहुत बहुत मुबारक हो. थैंक यू. 2023 सबको मुबारक हो, ये नया साल मुबारक हो, और इंशाल्लाह ये सब खैर खैरियत से गुजरे और सबके लिए अच्छा हो. आमीन आमीन. टॉक शो के लिए भी दुआ करें ना. नहीं नहीं, टॉक शो तो ये हिट हो गया है. टॉक शो हिट है. हो गया है. मोमल ने कह दिया हिट है भाई. तालियां इस बात पे. आज तालियां बजाऊंगा मैं हर बात पे. डन डन डन. वो क्या कहते हैं, सेलिब्रेटरी मूड है ना आज. ऑफ कोर्स. नए साल का नई चीज. और यही चीज लेके चल रही मैंने आज. नहीं पक्की बात है. हाँ. टैग उतारे. हाँ, उतारती है. ठीक है, वो काम ही नहीं करते हम रेंट वाले. ओके, रेंट वाले काम नहीं है. हम कहते हैं आपको मैं बताऊं, ये भी आज रेंट का नहीं है. तालियां मोमल के लिए भी. इसी बात पे आज तालियां बजेंगी. मोमल एक बात बताएं जी. माशाल्लाह जैसे मैं इंट्रो में अपने कह रहा था, मैंने फूफा से शुरू किया. मैंने कहा ताकि मैं बताऊं लोगों को, अब्बा का एक्टर होना या भाई का एक्टर होना तो बड़ी एक आम सी बात है, पर फूफा भी एक्टर, चचा भी एक्टर, उसके साथ कजन्स भी एक्टर, उसके बाद फिर आगे चले भाई भी एक्टर और अब्बा जी भी एक्टर. इसके बावजूद आपने ये इंतजार किया कि मेरी शादी हो जाए फिर मैं एक्टर बनूंगी, ऐसा क्यों मोमल? ये डिसाइड कभी भी नहीं हुआ था हसन कि मैंने शादी के बाद करना है या एनीथिंग लाइक दैट. मुझे हमेशा से प्रोडक्शन में काम करना था, इसीलिए बाबा ने मुझे कहा कि मैंने कहा बाबा मुझे प्रोड्यूसर बनना है. मैंने कहा ऐसे नहीं बैठे बैठे प्रोड्यूसर बनते, जाओ जरा चैनल में काम करो. सो आई वर्क्ड देयर एज अ लाइन प्रोड्यूसर फॉर 2 ईयर्स एंड देन गॉट मैरिड. एंड देन फिर एक मेरी दोस्त है फीबी फ्रॉम पीएच सॉल्यूशंस, एंड शी ऑफर्ड मी कि आप एक दे दो ना थोड़ा सा अपना ऑडिशन. ऑडिशन आई सेड फॉर व्हाट? जावेद शेख की बेटी और ऑडिशन, ये किसने आपसे? क्या आप बात कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, मैं तो यहाँ हूँ अभी. इतने बड़े बड़े एक्टर ऑडिशन देना अच्छी बात होती है. हाँ. यार ये बताएं लोगों को, चाहे जितना भी बड़ा एक्टर हो, माइंड कर जाते हैं लोग. इवन इफ बाबा को अगर कोई आज बोले कि ये कैरेक्टर और एक डायरेक्टर की नीड है कि हमें शेख साहब का ऑडिशन चाहिए, तो वो भी देंगे. एब्सोल्युटली. एंड दैट्स द वे इट शुड बी, बिकॉज़ आप एक्टर तो हो. हाँ. क्या वो कैरेक्टर अपना सकते हो आप कि नहीं अपना सकते, और उसमें और कितने ज्यादा हमें ऑप्शंस मिल सकते हैं, यू नो. सो ऑडिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑडिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑफ कोर्स लोग उसको दिल पे ले जाते हैं. वो कहते हैं यार कि हमको अच्छे एक्टर नहीं, ये पुरानी बातें हो गई हैं हसन. अच्छा, अब जमाना बदल गया है. बदल गया है, अब 2023 है. अच्छा मोमल ये बात बताएं, ये जो आपने फैसला किया हुआ है कि यार मैं साल में एक प्रोजेक्ट करूंगी या 2 साल में एक करूंगी, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह आपको नहीं पता, 2 बच्चे भी हैं मेरे पास, तो उनको भी टाइम देना होता है. तो जो मतलब कहने का मकसद था यही वजह ना, या आप कंटेंट से खुश नहीं है जो बन रहा है आजकल? नहीं नहीं, कंटेंट अच्छा भी बन रहा है, बुरा भी बन रहा है, ओके भी है, बहुत अच्छा भी है. सो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं रो रही हूँ कि मुझे नहीं मिल रहा या ये है, नथिंग लाइक दैट. अल्हम्दुलिल्लाह जो मिलता है एज एन एक्टर, मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना होता है. एंड अगर स्क्रिप्ट भी कभी कभार अगर वीक होती है तो आपकी टीम उसको अच्छा बना देती है, स्पेशली द कैप्टन ऑफ द शिप, डायरेक्टर. सो मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैंने एक आध स्क्रिप्ट ऐसी की है. क्यों नहीं नाम लेंगी? नहीं, मैं बात यहाँ पे खत्म हो गई. हसन ने तो जो है ना, ये मुझे डर इसी बात का था कि मैं शो पे आ रही थी. हसन को नाम चाहिए होते हैं ना, हसन को सच्चाई चाहिए होती है. कि किस बात का डर? नाम लो. सहाफत का नाम है. प्रॉब्लम ये है कि मैं भूल गई हूँ नाम क्या लूँ. इतने से तो प्रोजेक्ट किया आपने, मतलब 10 साल. हाँ, बस 10-15 तो कर ही लिए ना. सो एनीवेज बात हो रही थी कि स्क्रिप्ट जो है अगर वीक भी होता है, अगर आपका डायरेक्टर अच्छा हो, आपकी टीम अच्छी हो, उसको अगर आप बकलप कर लो तो वो अच्छा बन सकता है. या सो मैं आपकी बात तो नहीं काट रही. नहीं, मुझे आदत है बड़ी बात काटने. काटे काटे मेरी अम्मी जब देख रही होती है ना शो, कहती है अगले बंदे नु गाल तक करन दिया कर. हाँ, अपनी शुरू तो आप सोचे कि मेरे घर में भी यही बोलते हैं. है? आप दो लोग ऐसे बैठ गए जो एक दूसरे की बात काटेंगे, कॉन्टेंट नहीं मिलने वाला आपको आज. अम्मी ये देख ले, मैं मोमल की परमिशन से बात काट रहा हूँ. अम्मी आप भी देख ले कि मैं हसन की परमिशन से बात काट रही हूँ.
देखिए इसी बातों पे सवाल नहीं यार हसन, देयर प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो है ना साइड ये वाली, आप उधर क्यों बैठे यार, ये क्या बात है, ये जरूरी थोड़ी आप इधर आ जाएं, हाँ, ये वाली साइड है ना मेरी, अब ये कॉन्फिडेंट लेवल मेरा जो है ना यहाँ चला।